ध्यान और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट नंबर वन, जो कि आर्ट की एक अनोखी दुनिया है। आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं एक कोलाज, जो कि वाटर टॉपिक के ऊपर है। हम आज कोलाज बनाने जा रहे हैं। इस कोलाज में हम वाटर को कंजर्व कैसे करना है ये बताएंगे, और वाटर के सोर्सेस क्या है ये भी एक कोलाज के जरिए आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले कोलाज बनाने से पहले हमें उसकी हेडिंग लिखनी होती है। तो ये है एक येलो पेपर, इसके ऊपर हमें लिखना है वाटर, और हम उसे यहाँ पे चिपका देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे W लिख दिया है वाटर का। ये एक 3D W है। ऐसे ही आप सारे नंबर लिख लीजिए और उसे कट कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे वाटर कट कर लिया है, और आप जैसे देख सकते हैं ये एकदम 3D और असली लग रहा है। अब हम इसे फेविकॉल से यहाँ पे बिल्कुल मिड में चिपकाएंगे। तो चलिए शुरू करें। तो गाइज, हमने यहाँ पे इस वाटर को चिपका लिया है। अब क्योंकि ये कोलाज है, तो इसमें हमारे मेन चीज है पिक्चर्स। तो हमें यहाँ पे पूरे पेज से पिक्चर्स चिपकानी है। तो ये पिक्चर्स आपको लॉकडाउन के दौरान अभी नहीं मिल सकती, इसलिए अगर आपके घर पे प्रिंट आउट है तो आप प्रिंट आउट का यूज करके आप पिक्चर्स निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी बुक ले सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स होती हैं, तो यहाँ से आप ऐसे पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं। तो चलिए वाटर की पिक्चर्स कट करें और उन्हें चिपकाएं। तो अभी हम वाटर की पिक्चर्स कट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ऐसे कुछ वाटर से रिलेटेड पिक्चर्स कट कर ली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर, हैंडपम्प। तो ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं। अब हम इन पिक्चर्स को इस A3 साइज शीट के ऊपर अकॉर्डिंगली पेस्ट करेंगे कि ये कहाँ कहाँ जा सकती हैं। तो अभी हम इन्हें सेटल करते हैं, फिर मैं आपको इन्हें दिखाऊंगा। तो गाइज, हमने यहाँ पे सारी पिक्चर्स कट करके पेस्ट कर दी हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पेपर कोलाज बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने डिफरेंट काइंड की वाटर की चीज़ें बता रखी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वाटर की डेफिनेशन लिखी है कि वाटर इतना ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में क्यों है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ पे 70% वाटर है और सिर्फ 30% ही लैंड है। इसका मतलब पूरे अर्थ पे लैंड से ज़्यादा वाटर है, लेकिन फिर भी वाटर इतना कम क्यों पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वाटर हमें ओशियंस में मिलता है वो स्लाइम वाटर होता है, और उन वाटर को हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होता है। इसलिए हम दूसरा वाटर लेते हैं जो कि हमें मिलता है वेल से। और मोस्ट कॉमन जगह जहाँ से हमें वाटर मिलता है वो होती है रेन। जब रेन आती है तब हम अपनी छत पे या रूफ पे कुछ भी जैसे बड़ा सा टब रख सकते हैं, जिससे हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जब रेन आती है, जब लैंड के अंदर भी वाटर चला जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, और वहाँ से हम ट्यूबवेल के ज़रिए वाटर निकाल सकते हैं। तो वाटर की कुछ सोर्सेज होती हैं रिवर्स, ट्यूबवेल, वेल्स। और वाटर क्रॉप्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि वाटर के बिना क्रॉप्स उगती ही नहीं, और अगर क्रॉप्स ही नहीं उगेंगी तो हम खाना कैसे खाएंगे। इसलिए वाटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें वाटर को बचा के रखना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक बच्चा शावर में नहा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है। इसकी जगह इसे एक बकेट और मग के साथ नहाना चाहिए। अगर ये एक बकेट और मग के साथ नहाएगा तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। और यहाँ आप दूसरी पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इन्होंने टैप खुली छोड़ रखी है, और ये बकेट में से पानी निकल निकल के बहता जा रहा है। इससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगा है, और बहुत ज़्यादा कम पानी ही धरती पर रह गया है जो कि हम पी सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह भी है कि हमें पौधों में भी पानी डालना चाहिए, लेकिन पौधों में पानी डालने के लिए हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत चाहिए, क्योंकि इनमें से थोड़ा थोड़ा पानी आता है और पौधे अच्छे से नरिश हो पाते हैं। अगर हम पौधों में ज़्यादा पानी भी डाल देते हैं तो वो भी पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। एक और ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी हेल्थ की भी
हमेशा तैयारी रखनी चाहिए कि हम बीमार ना हो। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा पानी के अंदर हाथ डाल रहा है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ के अंदर जर्म्स होते हैं और वो पानी के अंदर चले जाते हैं, फिर जब हम उसे पियेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो ये थी वाटर के बारे में कुछ चीजें, इसलिए हमें हमेशा वाटर बचा के रखना चाहिए। सो प्लीज सेव वाटर। अब तक के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।